हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके डिमांड पर जुगल सरकार की ये ड्रेस का डिज़ाइन लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले चोली बनाएंगे। ये चोली 5 से 6 नंबर तक के कान्हा जी का है। ये चोली बनाने के लिए इसे हमें दो भाग में बनाना पड़ेगा। ये चीज़ हमें दो भाग में बनाना पड़ेगा, जैसे कि एक बन गया है और एक बनाना है। तो इसे आप चाहे तो दो कलर में बना सकती हैं, जैसे कि इसे हम इस तरह से, देखिए इस तरह से बनाएंगे। तो आप इसे अगर चाहती हैं तो एक वाइट कलर से है तो एक ब्लू कलर से बना सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं तो इससे ये जो गोल सा दिए हैं ये आप ब्लू कलर से बना लें और इसके इर्द गिर्द इधर आप वाइट कलर से बना लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे दो कलर में किस तरह से सजाना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। एक हम वाइट बनाए हैं, दूसरा हम ब्लू कलर में बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक दो तीन तीन चैन ले लिए। अगर आपको छोटे कान्हा जी का बनाना है, देखिए इस तरह से बड़े कान्हा जी का बनेगा। ये हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करते हुए पूरा गोलाई इसका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपको छोटे कान्हा जी का बनाना है, जैसे कि 0 से लेकर के 3 नंबर तक के कान्हा जी का बनाना है, तो आप डबल क्रोशिया ना करें उस स्थान पर। ये तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे, इस तरह से बनाएं, क्योंकि काफ़ी छोटे कान्हा जी हैं इसीलिए। देखिए इस तरह से एक बार में हम फंदे को लेंगे। फंदे लेने के बाद तीन हमारा हो गया, हुक पर तीन धागा है, तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। इस तरह से हम छोटे कान्हा जी का बनाएंगे, ठीक है। और बड़े कान्हा जी के लिए हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम कितना लें, यानी कि कितने बार हम डबल क्रोशिया करें, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपकी इसकी गोलाई पर निर्भर करता है। जैसे कि देखिए अभी हम बना रहे हैं, कितना इसमें कितना बार डबल क्रोशिया होगा ये किस तरह से पता चलेगा, ये हम अभी आपको बतलाएंगे। इतना हम कर लिए। अब इस धागा को हम टाइट कर देंगे। धागा को हम टाइट कर दिए, लेकिन देखिए इसकी गुलाई अभी पूर्ण नहीं रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ अभी और डबल क्रोशिया बनेगा, तो हम और बनाएंगे इस तरह बीच से। इस जगह से हुक को डालकर निकालेंगे और बनाएंगे। आप गिनती से लेना चाहती हैं तो गिनती से भी ले सकती हैं। 16 होगा डबल क्रोशिया अगर गिनती से लेंगी तो, 16 या 17 होगा, और नहीं तो आप इस तरह भी ले सकती हैं, ठीक है। देखिए अब ये गोलाई पुर गया, अब ये गोल आकृति में आ चुका है, इसलिए हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट कर दिए, इस धागा को आप टाइट कर लें। अब इसके बाद एक चैन लिए, दो तीन तीन चैन लिए। अब हम इस चीज़ को बनाएंगे, ये चीज़ जो है इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए तीन चैन ले लिए। अब आप छोटे कान्हा जी का बनाएंगे, तो जैसा कि हम बताए हैं आपको कि एक बार में, देखिए छोटे कान्हा जी में आप इस तरह से फंदे उठाएं और एक ही बार में तीनों को गिराएं, ठीक है। लेकिन बड़े कान्हा जी में आप डबल क्रोशिया करें।
छः डबल क्रोशिया हम कर लिए। इसके बाद हम पलट लेंगे। पलटने के बाद एक दो तीन, तीन चैन ले लिए, फिर फंदे लेंगे, दो बार फंदे ले लिए। अब ये पहला छोड़ करके हम दूसरे से हुक डाल करके बनाएंगे। देखिए इस तरह एक दो तीन, तीन बार में गिरा देंगे, जैसा कि हम आपको ये जुगल सरकार की ड्रेस में बताए थे, बिल्कुल उसी डिज़ाइन पर बना रहे हैं। एक दो तीन, अब हम एक चैन ले लेंगे, एक चैन, फिर हम दो बार फंदे लेंगे और फिर हम इसी तरह बुनते चले जाएंगे। पलट लेंगे। पलटने के बाद में एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और ठीक इसके बीचों बीच से हम आठ बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ करने के बाद तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और इसे इस स्थान पर लाकर बंद कर देंगे। फिर हम धागे को यहाँ कट कर लेंगे। देखिए एक साइड का बन गया, अब हम इसी तरह दूसरा साइड भी बना लेंगे। ये बनकर तैयार हो गया है। एक बनाकर बताएं, दूसरा बना लीजिए। इस तरह से आप दो बना लें, ठीक है, हम दो कलर में बनाए हुए हैं। अब दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। इस तरह ये कंधे पर हो गया और ये भी कंधे पर हो गया। अब आप इसे इस तरह से हमें यहाँ पर जोड़ना है दोनों को आपस में। आइए जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हम, आप जब छोटे कान्हा जी का बनाएंगी तो यहाँ जो हम दो बार लपेटते हैं इस तरह से, दो बार, ये दो बार ना लपेट कर एक बार में ही आप गिरा दें इस स्थान पर। देखिए ये जो चीज़ बनाए हैं इस स्थान पर, अब हम इसे यहाँ इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। यहाँ भी हम जोड़ देंगे। ये इस तरह से का बनकर तैयार हो गया। अब आप चाहती हैं तो इसके किनारी में जो हम यहाँ दिए हैं ब्लू कलर से, ये आप किनारी दे सकती हैं, मिड़ सकती हैं, और गले में जो हम दिए हैं ये गले में भी कर ले, बाँह में भी कर ले। अगर आप इसी तरह रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, लेकिन यहाँ यहाँ पर इस स्थान पर, इस स्थान पर हल्का सा सिल दें ताकि ये दोनों आपस में जुट जाए। तो गले, आपका गला का भाग ये इस तरह से ठीक रहेगा। और अगर आप इस तरह से जुड़ना चाहती हैं तो देखिए कैसे करना है। ये दोनों को तो हम आपस में जोड़ देंगे, ये ब्लू कलर से। ये नीचे में हम आपको बताएंगे जोड़ने के लिए, ये साइड में देखिए, साइड में जो ब्लू कलर से ब्लू से करेंगे और जो वाइट कलर से उसमें वाइट से करेंगे। वाइट कलर में ब्लू से करेंगे। यहाँ पर हम वाइट कलर को जोड़ लेंगे। इस तरह से
फिर एक फंदे लेंगे। लेने के बाद हुक को डालकर इसे तीनों को एक साथ में हम गिरा देंगे। इस तरह से जोड़कर ये आपका बांह तैयार हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। दोनों को आपस में जोड़ देने के बाद में बांह तैयार किए, गला में भी तैयार किए, ये बांह भी तैयार कर दिए। और साइड में हम कुछ नहीं किए, देख सकती हैं आप, बिल्कुल कुछ भी नहीं किए साइड में। अब हम इसका घेरा बनाएंगे, कैसे घेरा बनता है, ठीक है? ये तो समझ गई हैं आप लोग। घेरा बनाने के लिए हम ब्लू कलर से घेरा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम वाइट कलर से एक लाइन हम वाइट कलर से इसमें डालेंगे। इस नीचे की ओर से लेते हुए हुक को, ये चीज़ हम आपको ब्लू कलर से बतला देते हैं ताकि साफ साफ नज़र आए। यहाँ पर हम जैसे कि ऊन को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद में वाइट कलर में नीचे से लेते हुए इस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया करते हुए एक लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आप चाहती हैं तो डायरेक्ट ब्लू से भी दे सकती हैं, और चाहती हैं तो वाइट से एक लाइन दे सकती हैं। एक बार हम वाइट कलर से डाल दिए हैं, डालने के बाद अब हम ब्लू कलर जोड़ेंगे, ब्लू कलर से घेरा बनाएंगे। उनको सबसे पहले हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम इस पोशाक में बताए हुए थे, चार यानी चार डबल क्रोशिया करेंगे और साइड में दो चैन लेंगे, ठीक है? तो देखिए ये हम तीन चैन लिए हैं स्टार्टिंग में। अब हम इस जगह पर ये अगला जगह जो है हमारा अगला चैन है, वहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, तीन और ये रहा चार। चार डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद हम चैन लेंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन ले लिए। अब हम ठीक इसके बगल में, ठीक इसके बगल वाला चैन में हम इसे बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ फंदे नहीं लेंगे, हम इसी तरह बंद कर देंगे इस तरह से। फिर हम तीन चैन लेंगे, एक, दो, तीन और एक चैन छोड़कर दूसरे चैन में हम चार डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा लाइन को इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। ये दो, तीन और ये चार। फिर हम तीन चैन लेंगे, एक, दो, तीन। इसके बाद हम अगले जो हमारा ये अगला चैन है, यहाँ हम लाकर इसे बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है? अब इसके बाद फिर हमें तीन चैन लेना है, एक, दो, तीन। फिर हमें एक छोड़कर अगले चैन में डबल क्रोशिया करना है चार बार, एक, दो, तीन और ये रहा चार। इस तरह करते हुए हम पूरे इसकी गोलाई को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो गया, इसे हम लास्ट यहाँ जोड़ दिए। अगर आपको चोली छोटा बनाना है तो आप इसमें जो यहाँ पर हम आठ दिए हैं डबल क्रोशिया, देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यानी कि ये यहाँ पर जो हम डबल क्रोशिया डाले हैं इसकी संख्या कम कर दें आप। यहाँ पर आप चार लें,
छोटे कान्हा जी में यहाँ चार लें, और आप रुपी यहाँ चार लेंगे तो आपको इस जगह पर चार ही रह जाएगा, फिर इस जगह पर जब आप आएंगी तो चार से बढ़ाकर छः करें, या अगर ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो चार या पाँच ही रहने दें। इसी तरह अगर आपकी चोली बड़ी बनानी है तो आप इसी यहाँ जो डबल क्रोशिया पड़ता है इसका संख्या कम और ज़्यादा करने से आपका चोली कान्हा जी का परफेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ घेरा में एक लाइन बना चुके हैं। अब हमें देखिए धागा को हमें यहाँ बीचों बीच में ले जाना है। जी नहीं, धागा को हमें यहीं पर रखेंगे और एक दो तीन, तीन चैन लेंगे, फिर हम इसे दो बार लपेटेंगे और नीचे से इस तरह से लाते हुए हम इसे एक दो तीन, तीन बार में गिराएंगे, फिर हम एक और एक दो चैन ले लेंगे, दो, फिर हम दो बार धागे को लपेटेंगे और फिर इसी तरह जो आगे मेरा दो बचा हुआ है उसे हम इसी तरीके से बिन लेंगे। अब हम चैन लेंगे, इस फूल में आने के लिए हमें चैन लेना है, एक दो तीन, एक चार, फिर हम दो बार लपेटेंगे और फिर इस जगह पर इस तरह से हम फिर से बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये रो भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये लाइन भी कंप्लीट कर लिए। अब इतना आप कंप्लीट कर लें, इसके बाद इसे हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इस जगह पर लाकर हम ऊन को बंद कर देंगे। ठीक है, अब बंद करने के बाद में अब हमें ये धागा बीचों बीच में ले जाना है, तो बीचों बीच में ले जाने के लिए इस तरीके से हम ले जाएंगे। ये धागा बीचों बीच में ले गए। अब चूंकि हम स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया चार यहाँ पर किए थे तो हमें दो दो बढ़ाते जाना है। ठीक है, देखिए दो बढ़ाएंगे यानी हम चार से छः करेंगे, यहाँ भी छः डबल क्रोशिया होगा, इस स्थान में भी छः होगा, यहाँ भी छः होगा, और फिर जब हम इस स्थान में छः कर लेंगे, फिर जब हम पलट कर, अच्छा आइए देखिए छः करते हैं पहले हम, एक दो तीन, तीन लेने के बाद ये एक डबल क्रोशिया की गिनती में हम इसे लाएंगे और फिर हम यहाँ से बीचों बीच से ठीक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ। हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया किए थे, उसके आगे हम छः डबल क्रोशिया किए, यानी संख्या दो हमारा बढ़ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर चैन लेंगे, एक दो तीन चार, चार लेने के बाद फिर फंदे लेंगे, लेकर इस स्थान पर फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ भी संख्या छः रहेगा, एक दो तीन चार पाँच और ये रहा छः। यहाँ चार था, यहाँ छः आया। अब हम फिर चार चैन लेंगे, ये बीच का जो चार चैन है, चार चैन लेंगे हम, या आप इसे और एक तरीके से कर सकती हैं। देखिए चार चैन ना लें, ये हम तीन चैन कर देते हैं। ठीक है, तरीका अपना है, आप उसे किसी भी तरह से यूज कर सकती हैं। देखिए ये तीन हो गया, अब हम इसे ठीक इसके बीचों बीच में यहाँ पर हम जोड़ देंगे, ये हम पोशाक में बताए हैं, यहाँ इसे हम जोड़ दिए, फिर हम तीन चैन ले लेंगे, एक दो तीन, तीन ले लिए, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक
दो, तीन, चार, पाँच और ये रहा छः। फिर हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और फिर इसे हम यहाँ पर लाकर बीचों बीच में जोड़ देंगे। इस तरह फिर तीन चैन लेंगे हम, एक दो तीन, फिर इस स्थान पर हम छः डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमें करते हुए, अगर आप देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपका ये देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा यहाँ पर, और अगर आप नहीं चाहती हैं तो इसे भी रख सकती हैं। इस तरह से करते हुए हम दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिए। अब हम जब तीसरे राउंड में आएंगे तो हमें इसी चीज़ को फिर से यहाँ बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए हम, अभी यहाँ चार था, यहाँ छः है, अब हम अगला राउंड में आएंगे तो ये चीज़ बनाएंगे। अपरूपी ये चीज़ छः बन जाएगा, छः का बनेगा, क्योंकि यहाँ छः है, एक एक दो तीन, इसके बाद हम तीन बनाने के बाद हम दो चैन लेंगे। देखिए जैसे कि हम इस स्थान पर आ गए, ठीक है, एक दो तीन, अब हम दो बार लपेटेंगे और इसे हम इस तरह से एक दो तीन, फिर हम दो बार इसे लेंगे फंदे को और फिर एक दो तीन, तीन हो गया, एक दो तीन, अब हम फिर दो फंदे दो चैन लेंगे, एक और एक दो, और फिर इसी तरह हम अगला यहाँ पर जो हमारा तीन बचा हुआ है डबल क्रोशिया उसे भी हम बुन देंगे। यहाँ पर हम चार था डबल क्रोशिया तो चार हुआ, छः था तो छः हुआ, एक दो तीन, चार पाँच छः, छः हुआ। अब यहाँ हमारा डबल क्रोशिया छः था तो इस स्थान पर आठ आ जाएगा, फिर अगली बार जब आएगा तो 10 आएगा, फिर 12 आएगा, माने दो दो मतलब कि बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको घेरा इसका जितना बनाना है उतना आप घेरा बनाकर तैयार कर। इस तरह से ये वस्त्र बनकर तैयार हो गया। इसमें हम कितना राउंड बीने हैं, देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात राउंड हम बीने हैं इसमें, जिसमें कि यहाँ की संख्या 10 है, यहाँ डबल क्रोशिया 10 तक हम लाए हैं। आप इसमें और घेरा बढ़ाना चाहती हैं तो इसे 12 14 16 कर सकती हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने का है, जब आप बनाएंगी तो इसकी संख्या बढ़ाती चली जाए। यहाँ हम लास्ट में पाँच लिए हैं, फिर इधर भी पाँच लिए हैं, यहाँ पर पाँच लिए हैं। इसी तरह जहाँ आपको लगे कि जहाँ बढ़ाना है टाइट हो रहा है, जैसे घेरा अगर अच्छा से नहीं बन रहा है तो आप इसकी संख्या बढ़ा लें। तो इस तरह से आपका ये वस्त्र बनकर तैयार हो गया। ये हमारे कान्हा जी का। आपको कान्हा जी का वस्त्र कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।